तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो लेकर चुका हूँ आप लोगों के लिए न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको फ्री फायर में एक हाई सेंसिटिविटी कॉन्फ़िग फाइल देने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस कॉन्फ़िग फाइल को अप्लाई करने के बाद आप लोगों के गेम प्ले कुछ स्क्रीन पर आने वाली गेम प्ले जैसी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की जो सी DPI है, वो सेटिंग है, सेंसिटिविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी हेडशॉट रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप लोगों को क्या करना है, कैसे स्क्रॉल डाउन करना है, डेड आर्चिवीचर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को जैसे स्क्रॉल डाउन करना है, डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाना है। जैसे आप लोग डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाओगे, इसके बाद आप लोगों को इस फाइल को एक्सट्रैक्ट शेयर कर देना है। एक्सट्रैक्ट शेयर करने के बाद आपके सामने वो फाइल का फोल्डर ओपन हो जाएगा, आप लोग इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को या तो फिक्स लैग वाली फाइल को लॉन्ग प्रेस करके कट कर लेना, फिर आपको डिवाइस मेमोरी में आ जाना है, उसके बाद आप लोगों को एंड्रॉइड में आ जाना है। उसके बाद आपको डाटा फिर स्क्रॉल डाउन करना है, com.ets/free-fire, उसके बाद फाइल्स, फिर आपको उनकी कंपलसरी एंड्रॉइड गेम बंडल, और यहाँ पे आपको ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को डिवाइस मेमोरी में आ जाना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाना है, उसी फाइल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से 33,000 DPI वाली फाइल को लॉन्ग प्रेस करके कट कर लेना है, डिवाइस मेमोरी एंड्रॉइड, फिर उसके बाद डाटा, उसके बाद आप लोगों को com.ets/free-fire, फिर आपको फाइल्स, फिर आपको कॉन्टेंट की etc/mono/mconfig, और आपको ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को डिवाइस मेमोरी में आ जाना है, यहाँ से आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करने डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाना है। डाउनलोड के ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को उसी फाइल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको हाई सेंसिटिविटी कॉन्फिग फाइल वाली फाइल को कट कर लेना है, फिर डिवाइस मेमोरी, उसके बाद आप लोग को एंड्रॉइड, फिर डाटा, स्क्रॉल डाउन, com.ets, फ्री फायर, फिर फाइल्स, उसके बाद आप लोगों को कॉन्टेंट की, फिर आपको कंपलसरी एंड्रॉइड में आपको ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपको डाटा में आ जाना है, डिवाइस मेमोरी में आ जाना है, उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को ये फाइल को लॉन्ग ओपन करना है, फिर आपको सेंसिटिविटी फाइल को कट कर लेना है, फिर उसके बाद डिवाइस मेमोरी, फिर आपको एंड्रॉइड, उसके बाद आप लोग डाटा, उसके बाद आप लोगों को com.ets, फ्री फायर, फिर आपको फाइल्स, उसके बाद आप लोगों को कॉन्टेंट की, उसके बाद आपको कंपल्सरी एंड्रॉइड गेम बंडल, और आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फिग में ये फाइल को पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमको डिवाइस मेमोरी में सिंपली से आ जाना है, या डिवाइस मेमोरी में आएंगे, उसके बाद हमको स्क्रॉल डाउन करना है, डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद हमको ये फाइल को ओपन कर लेना है, इजी ड्राइव वाली इसको कट कर लेना है, फिर आप लोगों को डिवाइस मेमोरी, उसके बाद एंड्रॉइड, डाटा, com.ets, फ्री फायर, फाइल्स, कॉन्टेंट की, कंपल्सरी एंड्रॉइड गेम बंडल, और यहाँ पे UI में आपको ये फाइल को पेस्ट कर देना है। जैसे आपकी ये फाइल पेस्ट होगी तो आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो